तो आज का टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें आप देखेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और बेसिक कंसेप्ट सीखने के बाद एक्सरसाइज 3.2 भी हम करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है कि टू ऐड टू मैट्रिसेस देयर ऑर्डर्स मस्ट बी सेम। दो मैट्रिसेस तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। उदाहरण के लिए इसका ऑर्डर देखिए, इसमें दो रो दो कॉलम्स है, 2x2 है, ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है, तो इनको आप ऐड कर सकते हैं। और ऐड करते कैसे हैं, ऐड ऐसे करते हैं कि जो ये पहली टर्म है ये इस पहली टर्म से ऐड होगी, सो 2 + 3 = 5। फिर ये अगली टर्म है A12 टर्म, ये इधर A12 टर्म से ऐड होगी, 4 + 1 = 5। सिमिलरली A21 टर्म A21 से ऐड होगी, 6 + 5 = 11, और 9 + 8 = 17। तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर देना, और कुछ नहीं है इसमें। एग्जाम्पल टू देखिए इसका, तो इसका ऑर्डर क्या है, तीन रो हैं दो कॉलम है, 3x2, ये भी 3x2, तो ये भी आपस में ऐड हो सकते हैं। ऐड करने का लॉजिक वही है कि 4 5 से ऐड होगा, 4 + 5 = 9, 9 + 1 = 10, -3 2 से 7, -8 से 8, -5 से और 11 6 से। तो ज़्यादा कुछ है नहीं, एडिशन सबको आता ही है करना, कैसे ऐड होते हैं टर्म्स, मैट्रिसेस ऐड करना सीख गए हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऐड होती हैं, पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल 3 को देखिए, इसका ऑर्डर है 2x2, इसका ऑर्डर है 3x2, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। तो अगर कोई इनका एडिशन करने को गए तो हम कहेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब जैसे एडिशन है वैसे ही डिफरेंस है, ठीक है? तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकलता है, माइनस कैसे करना है, सेम लॉजिक है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी वो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पहली बात खास। और फिर वही है, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 - 2 = 2 हो गया, फिर 9 - 4 = 5 हो गया, 6 - 5 = 1 हो गया, है ना, 5 - -2 - -2 मेक्स +5 + 2 = 7 हो गया, 11 - 3 = 8 हो गया, 8 - 9 - 1 हो गया, 13 - -+5 (13 + 5 = 18), 2 - 6 - 4, 1 - 8 - 7। सुपर इजी, आगे बढ़ते। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है, उसमें टाइम वेस्ट करके कोई बेनिफिट नहीं है। तीसरा ऑपरेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ओके, तो इसके अंदर क्या खास बात है, देखिए सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, ए को बी से मल्टीप्लाई, तो ए के जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और बी के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दोनों सेम होने चाहिए, तभी वो दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो एडिशन में क्या था, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पर इसमें क्या है, पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज सेम होने चाहिए, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अगली बात, जब ये दोनों को आप प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू बी करेंगे, तो जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और बाद वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, वो ही आपके नए मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो आप देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, पहले वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है m/n और दूसरे वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर है n/k, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज वो दोनों सेम है, एन एन है, तभी वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, पहले वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और दूसरे वाले की नंबर ऑफ कॉलम्स, से आपके आंसर का ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं, जैसे कि ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2x2, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। फिर दूसरे वाले का भी ऑर्डर है 2x2, तो इसका भी ऑर्डर है 2x2।
टू बाय टू। पहले वाले में जितने कॉलम्स हैं दो कॉलम हैं, और बाद वाले मैट्रिक्स में जितने रोज़ हैं दो रोज़ हैं, दोनों सेम हैं। इसका मतलब इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, और जो आंसर होगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा, यानी जो आप आंसर के लिए बॉक्स बनाएंगे उसका, उसमें कितनी रो कितनी कॉलम होंगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसमें दो रो और दो कॉलम होंगी, यानी पहले वाले की रोज़ और बाद वाले की कॉलम्स। इतना क्लियर है? अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस होता कैसे? तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस ऐसे होता है कि पहले वाले मैट्रिक्स की आप पहली रो ले लीजिए, ठीक है, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली रो ले लीजिए और उसको मल्टीप्लाई कीजिए बाद वाले मैट्रिक्स के कॉलम से। कैसे? ये जो एलिमेंट है फर्स्ट एलिमेंट इस रो का, वो पहले कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 5 10, ठीक है। और फिर ये जो सेकंड एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 7 21, 2 5 10, 3 7 21। मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले वाले मैट्रिक्स की आपको लेनी है रो और दूसरे वाले मैट्रिक्स का आपको लेना है कॉलम, और इसके पहले एलिमेंट को इसके पहले एलिमेंट से और दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके इनको करना है ऐड। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? अब यही रो रखते हुए, रो यही रहेगी, पहली रो रहेगी, और अब हम आ जाएंगे दूसरे कॉलम पर। रो वही है, कॉलम अब हमने चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब इसका यही रो का पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा ये पहले एलिमेंट से, 2 6 12, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा दूसरे एलिमेंट से, 3 2 6, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो हमने पहले रो को लेकर उसे पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, पहले कॉलम से, तो ये आया, ठीक है। और फिर हमने वही सेम रो लेते हुए दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया, तो ये आया, ठीक है। अब बात करते हैं नीचे वाले की, अब ये कैसे आएगा। तो अभी देखो, हमने इस रो को यूज़ नहीं किया है, अब हम इस रो को यूज़ करेंगे, ओके। तो क्या करेंगे, ये वाली रो लेंगे सेकेंड रो, और इसके पहले एलिमेंट को पहले कॉलम के पहले पहले कॉलम की बारी है फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 5 5, और फिर सेकंड को सेकंड से, 4 7 28। बात क्लियर हो गई? तो रो यही रखते, रो सेकंड रखते हुए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई। अब जब ये आ जाएगा तो थोड़ा स्पेस छोड़ना है, और अब अगले कॉलम की बारी, सेम रो लेते हुए अगले कॉलम की बारी, सो 1 6 6 और 4 2 8, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इनको ऐड करके जो आएगा वो फाइनल आंसर है। तो ये होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो कि हमको बड़े ध्यान से करनी है। एक बार फिर से, इसकी पहली रो लेकर पहले सभी कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर है उसकी फर्स्ट रो तैयार हो जाएगी, फिर सेकंड रो की बारी आएगी, और सेकंड रो को भी फिर बारी बारी से सभी कॉलम से आपको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक बार और देखते हैं, एक और क्वेश्चन। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 बाय 3, 3 रो 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 रो 2 कॉलम, ठीक है। पहले वाले का ऑर्डर है 3 बाय 3, दूसरे वाले का ऑर्डर है 3 बाय 2। पहले वाले में जितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम है, और दूसरे वाले मैट्रिक्स में जितने रो हैं, ये दोनों सेम है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है। और आपका आंसर जो आएगा, आंसर मैट्रिक्स आएगा, उसमें कितनी रो होंगी? 3 रो, और कितने कॉलम होंगे? 2 कॉलम, तो वो 3 बाय 2 का बनेगा। तो आप जब मैं आंसर लिखूंगा तो पहले मैं ये बॉक्स बनाऊंगा, तो उसमें 3 रो होंगी और 2 कॉलम होंगे। बात समझ में आ गई? अब मल्टीप्लाई कैसे करना है? तो जैसे हमने पहले देखा, हमको ले लेना है फर्स्ट रो, और इस फर्स्ट रो को हमको मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम के साथ।
पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से. तो 4 4 16, 3 5 15, 2 7 14. सबको एडिट करना है. फिर स्पेस छोड़ना है यहाँ पर, ये जो स्पेस है ऐसे यहाँ पे स्पेस छोड़ना है. और फिर हम आ जाएंगे अगले कॉलम पे. 4 2 8, 3 6 18, 2 4 8. ऐड कर देना है तीनों टर्म्स को. अब तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है. तो अभी हमने क्या किया, हमने पहले रो से तो कर लिया काम. अब जब पहले रो से काम हो गया तो आप बारी आती है सेकंड रो की. तो अब हम सेकंड रो को पहले कॉलम से और फिर दूसरे कॉलम से. तो पहले कॉलम से करते हैं 1 4 4, 4 5 20, 1 7 7. हो गया पहले कॉलम से, हो गया. अब पहले कॉलम से हो गया, उसके बाद दूसरे कॉलम की बारी. 1 2 2, 4 6 24, 1 4 4. इनको ऐड कर देना है, इनको अलग से ऐड कर देना है, बीच में स्पेस है. तो ये आपका दूसरे रो से भी हो गया. अब जब दूसरे रो से हो गया तो अब बारी आती है तीसरे की. तो अब मैं इस रो को पहले कॉलम से करूँगा. 2 4 8, 5 5 25, 3 7 21. हो गया. फिर बीच में स्पेस छोड़ना है और फिर अगले कॉलम से सेम रो को 2 2 4, 5 6 30, 3 4 12. देख लीजिए, अब इनको ऐड करना है, जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर है, ठीक है जी. अब मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो गया. तो मल्टीप्लिकेशन में एक बात और ध्यान रखिए कि जब हम मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, ये कम्यूटेटिव नहीं होता. क्या इसका मतलब है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और उसी मैट्रिक्स बी को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, बस ऑर्डर बदल दिया मैंने बात को कहने का, तो जो आंसर आएगा वो सेम नहीं होगा. अब देखो सिंपल मैथ्स में तो होता ही है, 3 2 6, 3 2 6 और 2 3 6, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. चाहे ए को बी से इंटू करो, चाहे बी को ए से इंटू करो, आंसर सेम आएगा नंबर्स में. पर जब मैट्रिसेस की बारी आती है तो मैट्रिसेस में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि ए इंटू बी और बी इंटू ए सेम हो. बात समझ में आ गई? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो 3.2 स्टार्ट कर दिया हमने यहाँ पर. और यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन मैट्रिसेस दिए ए बी सी, और हमसे कह रहे हैं कि ए और बी को ऐड करो. आई गेस आपको दिख ही रहा होगा क्या करना है. 2 + 1 3, 4 + 3 7, 3 - 2 1, 2 + 5 7. कुछ भी नहीं है करने को स्पेशल. फिर कहते हैं ए माइनस बी करो, तो 2 - 1 1, 4 - 3 1, 3 - -2 - - मेक्स प्लस 5, 2 - 5 - 3. ये भी हो गया. अब कहता है कि 3 × a - c निकालो, तो a में 3 को मल्टीप्लाई करो. देखो मैंने किया है 3 × a - c, इसको माइनस करना. तो जैसे रूल हैं हमारे बॉड मास के, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर जाके बाकी सब. तो देखिए यहाँ पर एक स्केलर, स्केलर मतलब जो मैट्रिक्स नहीं है, एक नंबर को हम एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. कैसे करना है? इस 3 को सब एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना. इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9, 3 2 6. ईजी, क्लियर है ना. माइनस, अब ये चीज़ इसमें माइनस हो जाएगी. तो 6 - -2 मीन्स प्लस 2, 8, 12 - 5 7, 9 - 3 6, 6 - 4 2. सिंपल. यहाँ से आपको एक और बात बता देते हैं.
तो आपने देखा कि ये जो नंबर है इसको हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया तो कैसे आ गया, और ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, दैट इज इफ देर इज अ नंबर विच इज कॉमन इन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स यू कैन टेक इट आउट, कॉमन जैसे लेते हैं राइट. सो 6 में भी 3 है, 12 में भी 3 है, 9 में भी 3 है, 6 में भी 3 है, दैट इज मल्टीपल है 3 के. सो आप तीन बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है. तो ये भी ध्यान रखिए, जैसे ब्रैकेट में कॉमन लेने की हमको आदत है, ऐसे मैट्रिसेस में भी हम कॉमन ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. ओके, बट सब एलिमेंट्स में वो चीज़ होनी चाहिए. आगे बढ़ते हैं, आंसर आ गया है. अब ए इंटू बी निकालना है, तो मैं मल्टीप्लीकेशन बार बार आपको बताऊँगा जिससे अच्छे से आ जाए. तो ये फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम में, 2 1s are 2, 4 into -2 is -8, और इसके बाद बीच में स्पेस छोड़ा, और अब अगले कॉलम से 2 3s are 6, 4 5s are 20. तो ध्यान रखिए पहले रो को कांस्टेंट रखते हुए मैं सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्लियर है कि नहीं. और जब एक बार इसका काम हो जाए तो फिर अगली रो पर आइए. अब फिर से वही, इसको पहले कॉलम से 3 1s are 3 -4, और फिर अगले कॉलम से 3 3s are 9, 2 5s are 10, और उनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं ऑपरेशंस वो लगाइए, फाइनल आंसर आपका आएगा. तो आपने देखा मैंने ए इंटू बी निकाला यहाँ पर, अब मैं बी इंटू ए निकालूंगा, जो मैं अभी कह रहा था कम्यूटेटिव. चेक करिए, बी को आगे लिख दिया, ए को पीछे लिख दिया. अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फिर से पहली रो पहले कॉलम से, सो 1 into 2 2, और 3 3s are 9, प्लस कर दिया दोनों को, है ना. फिर ये गैप छोड़ना है, और फिर अगले कॉलम से मल्टीप्लाई, सो 1 4s are 4, और 3 2s are 6 ऐड कर देना है. तो यहाँ पर आपने देखा पहले रो से हमने कर दिया मल्टीप्लाई. अब बारी आएगी दूसरी रो की, तो आप दूसरी रो को करते हैं -2 2s are -4, 5 3s are 15, हो गया, इस कॉलम से हो गया. अब स्पेस छोड़कर अगले कॉलम से -2 4s are -8, 5 2s are 10, अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. देखिए ए बी जो आया और बी ए जो आया वो सेम नहीं है, है ना. सिंपल मैथमेटिक्स, दैट इज व्हेन वी आर यूजिंग नंबर्स इट इज ट्रू ऑलवेज, ए इंटू बी इज बी इंटू ए, बट व्हेन यूजिंग मैट्रिसेस ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. आमतौर पे नहीं इक्वल आते, बड़े रेयर केस हैं जो कभी इक्वल आ जाएंगे, तो नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होता है. इसको अबिलियन प्रॉपर्टी भी कहते हैं हायर मैथ्स में. आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 आया, कहता है इनको ऐड करना है. मैंने किया ही नहीं है क्वेश्चन, पर आपको अगर करना है तो क्या करेंगे, इसका आंसर होगा 2a, फिर 2b, फिर यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ 2a हो जाएगा ना, ठीक है. मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया, ऑलरेडी 22 अराउंड क्वेश्चन है इस क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में. अब देखिए ऐसे इसको इसमें ऐड करो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी होल स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर. ऐसे इसको इसमें ऐड करो बी प्लस सी होल स्क्वायर, इसको इसमें ऐड करो ए माइनस सी होल स्क्वायर, और इसको इसमें ऐड करो ए माइनस बी होल स्क्वायर. आंसर आ गया, बस पीछे चेक करिएगा, आंसर यही आंसर है. थर्ड पार्ट देखते हैं, फिर से वही 12 - 1 is 11, 7 + 4 is 11, 6 - 6 is 0, करेक्ट है. तो जो इसका आंसर है, पहली रो तो आपको पहले ही पता चल गई राइट. अब ऐसे ही इसकी सेकेंड रो को भी देख लीजिए, 8 + 8 16, 5 + 0 5, 16 + 5 21, 2 + 3 5, 8 + 2 10, 5 + 4 9, आ गया आंसर. तो बातों बातों में ही हो जाएगा ये. तो अगला देखिए, जब इनको ऐड करोगे तो फर्स्ट टर्म, इसकी फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइंस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1. ऐसे ही साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को करेंगे 1, साइंस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को करेंगे 1, कॉस स्क्वायर प्लस साइंस स्क्वायर को करेंगे 1, ये भी हो गया. तो मैंने इसलिए किया नहीं कि आप देख लें खुद से, फिर भी मैंने बता दिया. ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया, मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं. पहली रो को पहले कॉलम से ए इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर,
फिर बीच में स्पेस, अब अगले कॉलम से ए इंटू माइनस बी माइनस ए बी, बी इंटू ए ए बी या बी ए, ओके। अब ये माइनस ए बी काटेंगे एक दूसरे को और यहाँ पर आएगा ज़ीरो, ठीक है। अब पहले रो का काम हो गया, अब सेकेंड रो की बारी, तो पहले कॉलम से करते हैं माइनस ए बी प्लस ए बी, ठीक है ना, ये लिखा है, फिर स्पेस छोड़ना है। अब सेकेंड कॉलम से माइनस बी बी स्क्वायर ए इंटू ए ए स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ ज़ीरो और यहाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1001, 1001 मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू, क्लियर हो गया। अभी इसको देखते हैं, ठीक है बेटे, पहले वाले का ऑर्डर क्या है, थ्री रोज वन कॉलम, थ्री रोज वन कॉलम, ओके। और बाद वाले का ऑर्डर क्या है, वन रो थ्री कॉलम्स, वन रो थ्री कॉलम्स। तो पहले वाले में कितने कॉलम है और बाद वाले में कितने रो हैं, वो सेम है, ठीक है, यानी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और जो आपका आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा थ्री बाय थ्री, ठीक है कि नहीं। इसलिए मैंने पहले ही आंसर में ऐसा बॉक्स बनाया है जिसमें तीन रो तीन कॉलम हो, और मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली रो कौन है, वन है, इस वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले कॉलम से, पहले कॉलम में टू है, वन टू ज़ा टू हो गया, फिर स्पेस छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ दिया, फिर इस वन को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से, फिर स्पेस छोड़ेंगे, फिर फोर, फिर वन को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से, समझे ना। तो पहले रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से। बच्चे कहेंगे इसमें प्लस 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 क्यों नहीं आ रहा, वो तब आता अगर यहाँ पे एलिमेंट्स होते, यहाँ पे एलिमेंट्स ही नहीं है, ठीक है। तो जब वहाँ पर एलिमेंट्स ही नहीं है तो प्लस प्लस नहीं आएगा। आई होप समझ आ गया सबको, ओके। अब ऐसे ही सेकेंड रो की बारी, तो इस सेकेंड रो को पहले से, तो टू टू ज़ा फोर, फिर स्पेस टू थ्री ज़ा सिक्स, फिर स्पेस टू फोर ज़ा एट। तो प्लस 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 तब आता है जब यहाँ पर एलिमेंट होते हैं, तो ऐड होते जाते हैं, इसके नीचे होते, पर यहाँ कुछ नहीं है, सिंगल टर्म्स हैं, करेक्ट। अब जब दूसरी रो भी हो गई तो तीसरी रो की बारी, तो थ्री टू ज़ा सिक्स, फिर स्पेस थ्री थ्री ज़ा नाइन, फिर स्पेस थ्री फोर ज़ा ट्वेल्व, ये भी हो गया। तो मल्टीप्लीकेशन बार बार बता रहा हूँ जिससे गलती ना हो, ओके बेटे। इसको ज़रा खुद से देखिए, ठीक है, सॉल्व मैंने किया हुआ है, पर आप देखिए कैसे मैंने रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया, वन वन ज़ा वन, माइनस टू टू ज़ा माइनस फोर, है ना, कंसेप्ट वही है। पहली रो को पहले कॉलम से, फिर स्पेस छोड़ के दूसरे कॉलम से, देखिए वन टू ज़ा टू, माइनस टू थ्री ज़ा माइनस सिक्स, फिर स्पेस छोड़ के तीसरे कॉलम से, वन थ्री ज़ा थ्री, माइनस टू वन ज़ा माइनस टू। अब जब पहले रो की बारी हो गई ख़त्म, तो अब हम जा सकते हैं दूसरी रो पर। पहले रो को छोड़ दीजिए, हटा देते हैं पहली रो, ठीक है। तो अब इस रो को पहले कॉलम से तो ये आएगा, फिर दूसरे कॉलम से तो ये आएगा, और तीसरे कॉलम से ये आएगा, ठीक है। तो मैं बार बार उस बात को रिपीट नहीं कर रहा हूँ आप, क्योंकि आई होप आ गया होगा, बहुत बार देख लिया। तो ये 3x3 का मैट्रिक्स आया है अभी हमारे पास, लास्ट टाइम देख लें एक बार। तो हमको करना क्या है, पहले रो को पहले कॉलम से, तो 2 1 ज़ा 2, 3 0 0, 4 3 ज़ा 12, फिर स्पेस, स्पेस करके अगले की बारी, 2 × −3 − 6, 3 2 ज़ा 6, 4 0 0, तो वो मैंने लिखा नहीं है। फिर यहाँ पर स्पेस, अब तीसरे कॉलम की बारी, इसको हटाना पड़ेगा,
अब तीसरे कॉलम की बारी, 2 5 10, 3 4 12 और 4 5 20, हो गया ना। तो पहले रो को जब तीनों कॉलम से हम कर लेते हैं, उसके बाद ऐसे ही सेकंड रो को तीनों कॉलम से करना है, तो ये बीच वाली लाइन रेडी होगी, और फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से करना है, ठीक है ना। तो मैथ्स तो करने से ही आता है आपको, कई टीचर्स ने बताया होगा पहले भी, बिना किए मैथ्स आ नहीं सकता है। तो ये सारा प्रोसेस करके देखिए अपने हाथ से, डाउट आए तो पूछ लीजिएगा, वैसे आएगा नहीं, इतनी बार कर लिया है। ओके, तो ये भी हमने देख लिया। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, पहले रो को तीनों कॉलम से करके इधर पहली रो रेडी होती है, दूसरे रो को तीनों कॉलम से करके दूसरी रो रेडी होती है, और तीसरी रो को तीनों कॉलम से करके तीसरी रो रेडी होती है, फाइनल आंसर आ जाता है। खुद से देख लीजिए करके, पॉज करिए, खुद से सॉल्व कीजिए, फिर अपना आंसर मैच कीजिए, आंसर मैच होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो ये ड्रिल प्रैक्टिस से ही आएंगी ये चीज़ें। इधर भी ऑर्डर देखिए ज़रा, मल्टीप्लिकेशन तो आई गई समझ, ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर कितना है 2 by 3, इसका ऑर्डर है 2 by 3, और उसका ऑर्डर कितना है 3 row 2 column, 3 row 2 column। तो पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो सेम है, यानी मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा, उसका ऑर्डर होगा 2 by 2, सही है कि नहीं है। तो यही तो हमने सीखा है, बाकी मल्टीप्लिकेशन कुछ नहीं है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये आएगा, फिर अगले कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, और इसी रो को इस कॉलम से करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में कहते हैं पहले ए प्लस बी निकाल के दिखाओ। ए प्लस बी कर लिया, 1 + 3 = 4, 2 - 1 = 1, -3 + 2 - 1, यानी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड, ऐसे सेकंड रो को सेकंड रो से, थर्ड रो को थर्ड रो से। फिर कहता है बी माइनस सी निकाल के दिखाओ, बी माइनस सी, 3 - 4 = -1, है ना, -1 - 1 = -2, एंड 2 - 2 = 0, सिमिलरली 4 - 0 = 4, 2 - 3 - 1, बोरिंग हो जाएगा ज़्यादा बोलेंगे तो, समझ आ ही रही है तो बातें। फिर आपसे कहते हैं कि a प्लस बी माइनस सी निकाल के दिखाओ, तो a की वैल्यू पुट कर दी और प्लस b माइनस c की वैल्यू ये थी पुट कर दी, अब दोनों को ऐड कर रहे हैं, है ना। तो 1 - 1 = 0, 2 - 2 = 0, -3 = 0, -3 ऐड कर रहे हैं, 5 + 4 = 9, सिंपल है, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं a प्लस बी माइनस सी निकाल के दिखाइए, तो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली थी, ये वैल्यू है, दिखाते हैं एक बार आपको, ये वैल्यू निकाली थी a प्लस बी की, तो a प्लस बी की वैल्यू हमने निकाली थी, वो यहाँ पुट कर दी, और माइनस सी, सी की वैल्यू भी पुट कर दी यहाँ पर। अब 4 - 4 = 0, 1 - 1 = 0, -1 - 2 - 3, 9 - 0 = 9, सो ऑन, माइनस कर दिया। अब आप देखिए a प्लस बी माइनस सी और a प्लस बी ब्रैकेट माइनस सी, दोनों की वैल्यू हमने निकाली, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये भी प्रॉपर्टी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस माइनस में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहता है कि आप निकालिए 3a, 3a का मतलब इस a को 3 से मल्टीप्लाई करना है, -5b इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 2, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 5, है ना, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 1 2 4, 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2, ऐसे इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना है।
अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो गए एकदम, एक एक एलिमेंट इनका बराबर है, माइनस कर रहे हैं तो सब कट के ज़ीरो आ जाएगा, है ना। और इसी को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो आपका आंसर आया है ये ज़ीरो मैट्रिक्स है, करेक्ट, मतलब बड़ा सा ज़ीरो बना देंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स का सिंबल है, नल मैट्रिक्स, ज़ीरो मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, तो ये कहता है कि इसको सॉल्व करो। अब ये कॉस थीटा इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, कॉस इंटू साइन साइन कॉस, कॉस इंटू माइनस साइन कॉस, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, ऐसे ही साइन को इन चारों से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्या है, अभी ना ऐड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वन आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है वो वन आ जाएगा अगले स्टेप में। तो ये साइन कॉस को माइनस साइन कॉस से करेंगे तो ज़ीरो आएगा, इस माइनस साइन कॉस को इस प्लस साइन कॉस से करेंगे वो भी ज़ीरो आएगा, देख लीजिए यहाँ पे ज़ीरो ज़ीरो है। और कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से करेंगे, नेगेटिव नहीं है ये, ठीक है, कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर से करेंगे तो वन आ जाएगा। तो ये जो आया ये टू ऑर्डर टू का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक। इसको आप यहाँ आप चाहे तो छोटा सा टू भी, हमारे टाइम पे तो लिखते थे, अब तो नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही आई लिख देते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है, पर ऑर्डर लिखना ठीक रहता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर कहा हुआ है कि कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई आर मैट्रिसेस, क्वेश्चन में कहा हुआ है एंड कैपिटल एक्स प्लस कैपिटल वाई इज दिस एंड कैपिटल एक्स माइनस कैपिटल वाई इज दिस, राइट। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, सिंपल, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व होती थी वैसे ही सॉल्व होगा। तो मैंने पहली इक्वेशन लिखी, फिर दूसरी इक्वेशन लिखी, और अब मैं एलिमिनेशन से क्या करूँगा, वाई से वाई को काट दूंगा, तो एक्स प्लस एक्स कितना आएगा, टू एक्स, और इनको ऐड करते सेवन प्लस थ्री टेन, ज़ीरो प्लस ज़ीरो ज़ीरो, टू प्लस ज़ीरो टू, फाइव प्लस थ्री एट, टू एक्स इसके इक्वल आ गया। अब इस टू को अपॉन में भेज देंगे, सब टर्म्स के अपॉन में, तो टेन बाई टू फाइव, ज़ीरो बाई टू ज़ीरो, टू बाई टू वन, एट बाई टू फोर, ये आपका आंसर आ गया, है ना, समझ में। तो टू को उधर अपॉन में भेजा तो सब टर्म्स टू से डिवाइड हो गई, कितना सिंपल है। अब इस एक्स की वैल्यू को आप फर्स्ट में या सेकंड में कहीं भी पुट कर दीजिए, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू दिस इन फर्स्ट। सो फर्स्ट इक्वेशन वाज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दिस, अब एक्स की वैल्यू पुट कर दी, इसको उधर ले जाएंगे माइनस करने, सेवन माइनस फाइव टू, ज़ीरो माइनस ज़ीरो ज़ीरो, टू माइनस वन वन, फाइव माइनस फोर वन, वाई की भी वैल्यू आ गई, एक्स की भी वैल्यू आ गई, यही आपका आंसर है। एक टाइम पे आते थे ये क्वेश्चन बोर्ड में, काफ़ी टाइम से तो देखने को ही नहीं मिले हैं ऐसे क्वेश्चन, पर आने तो चाहिए। हाँ बेटे, अगला क्वेश्चन है, 2x plus 3y is this matrix and 3x plus 2y is this matrix. x and y again are matrices. So we need to find the value of x and y. Again, as we used to do in linear equations, first of all we have to make the coefficient of x equal or coefficient of y equal, right? So here the coefficient of x is 2, here the coefficient of x is 3. So on multiplying the first equation by 3, we'll get 6 here, and similarly multiplying this equation with 2, we'll get 6 here, right? So this is how we can make the coefficients of x equal to each other, and then we can proceed with the method of elimination, right? तो इसको 3 से किया, इसको 3 से किया, इसको मत भूलिए 3 से करना, ये भी 3 से किया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 0 0, फिर इस पूरे को 2 से किया, ओके, एंड नाउ एलिमिनेशन के लिए हम रेडी हैं। तो होगा क्या, ये टर्म कट जाएगी, 9y माइनस 4y इज 5y, एंड देन 6 माइनस 4 इज 2, 9 माइनस माइनस प्लस 4 इज 13, 12 प्लस 2 इज 14, 0 माइनस 10 इज माइनस 10, देन टेकिंग दिस 5 टू द डिनोमिनेटर, हर टर्म के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यू विल गेट योर y, एंड देन पुटिंग दिस y इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में जहाँ था 2x plus 3y, है ना, ये थी ना इक्वेशन 1,
एक्स प्लस थ्री वाई, तो वाई की जगह वैल्यू पुट कर दी है, राइट? ओके, नाउ टू एक्स प्लस थ्री इंटू दिस वाई इज इक्वल टू 2340। अब क्या करेंगे, इस थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 3 to the 6 5, 3 30 39 by 5, 3 into 14 42 by 5, 3 into -2 -6 इज इक्वल टू 2340। ईजी। अब इस मैट्रिक्स को उठाइए, आरएचएस में ले जाइए माइनस करने के लिए, और लेफ्ट में रह जाएगा 2x। ओके, अब यहाँ पे माइनस किया 2 - 6 by 5, एलसीएम लेके प्रॉपरली 5 to the 10 10 - 6 4 by 5, सिमिलरली 3 - 39 by 5, 4 - 42 by 5, 0 - -6, राइट? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 2x। नाउ टू फाइंड x, व्हाट वी विल डू, वी विल टेक दिस 2 टू द डिनोमिनेटर, सो 4 by 5 divided by 2, तो 2 by 5 रह जाएगा, 24 by 5 divided by 2, 12 by 5 रह जाएगा, 22 by 5 divided by 2, 11 by 5, है ना, हाफ हाफ हो रहा है न्यूमरेटर, 6 by 2 is 3। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट x एंड y, वेरी सिंपल, वेरी इजी, राइट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन 8 तो इजी है, क्योंकि इसमें y तो पहले ही दे दिया है, y की वैल्यू गिवन है, और ये इक्वेशन देकर कहते हैं फाइंड x। सो सिंपली व्हाट वी विल डू, विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y हियर, राइट? सो 2x प्लस होल मैट्रिक्स, अगले स्टेप में देखिए, इज इक्वल टू दिस थिंग। नाउ एज यूजुअल विल टेक दिस टूवर्ड्स RHS, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, देन अगले स्टेप में सब्ट्रैक्ट हो गया, 1 - 3 is -2, 0 - 2 is -2, -3 - 1 is -4, 2 - 4 is -2, देन ये जो 2 है इसको उधर डिवाइड में भेजेंगे, हर टर्म 2 से डिवाइड हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एलजेब्रा, सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, बहुत ही ईजी। चैप्टर 1-2 थे फंक्शंस, रिलेशन फंक्शंस, थोड़ा सा लॉजिकल लॉजिक ज़्यादा था, यहाँ पे तो प्योर कैलकुलेशन है। नाइन, क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन सी वी हैव एन इक्वेशन, ठीक है, हिंदी में बोलेंगे ज़्यादा अच्छा समझ आता है सबको। तो 2 से ये सब मल्टीप्लाई हो रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, 2 1 2 2 3 6, 0 2x, फिर प्लस ये ऐसे का ऐसा, फिर ये मैट्रिक्स ऐसे का ऐसा, है ना, फिर हम इनको ऐड कर देंगे, 2 + y 6 + 0 0 + 1 2x + 2 = ये मैट्रिक्स। और अब कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, 2 + y किसके बराबर है, 5 के, देखते हैं, 2 + y बराबर है 5 के, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 - 2 3। इसी तरीके से 2x + 2 बराबर है 8 के, तो 2x + 2 बराबर 8 के है, तो 2x = 6, x की वैल्यू आ गई 3। कितना सिंपल क्वेश्चन है, सेम इसी लॉजिक पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 10। ये 2 इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लीजिए, ज़्यादा बोलेंगे नहीं, बोर हो जाएंगे, बहुत ईजी है, जल्दी जल्दी समझिए। ये 3 से सारा मल्टीप्लाई, ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई, राइट? उसके बाद ये पूरा मैट्रिक्स, कहीं भी वेरिएबल नहीं है इसके पास, ये भी पूरा मैट्रिक बिना वेरिएबल के, इसको उठा के इसके पास ले जाते हैं माइनस करने के लिए, तो 9 - 3 = 6, 15 - -3 = 18, 12 - 0 = 12, 18 - 6 = 12, ईजी। और लेफ्ट साइड में सिर्फ ये मैट्रिक्स बच गया। ओके, सो 2x = 6, तो x कितना होगा, 3, 2y = 12, तो y होगा 6, 2z = 18, तो z होगा 9, 2t = 12, सो t होगा 6। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप चाहे तो डायरेक्ट इनको ऐड करके फिर इक्वेट करके तब भी कर सकते थे, वो भी ठीक था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, तो सेम क्वेश्चन, x मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, y मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों से, इक्वल में 10 और 5, इन दोनों को ऐड किया, 2x - y, नीचे 3x + y = 10 5, पहली इक्वेशन इसके इक्वल, दूसरी इक्वेशन इसके इक्वल, एलिमिनेशन किया, y से y कैंसल, 2x + 3x = 5x = 15,
एक्स इज इक्वल टू थ्री, वेन एवर जब भी छोटा एक्स है तो वो नंबर्स हैं, छोटा वाई नंबर है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मैट्रिसेस है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, एक्स की वैल्यू 3 उठा के पुट कीजिए पहली इक्वेशन में, तो 2 3 6, 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, तो वाई हो गया -4, इजिली हो गया ये भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सेम है, 3 इससे मल्टीप्लाई, चारों से देख लीजिए, और ये ऐड हो रहे हैं, तो x प्लस 4, 6 प्लस x प्लस y, -1 प्लस z प्लस w एंड 2w प्लस 3। नाउ इक्वेट करिए, 3x x प्लस 4 के इक्वल है, अब इस x को उधर ले जाएंगे माइनस करने, तो 3x माइनस x 2x, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, ऐसे ही 3y इसके इक्वल है, देख लीजिए यहाँ पर। तो यहाँ x की वैल्यू 2 ऊपर से पुट कर दी, ये x की वैल्यू 2, ओके, और इस y को उठाकर लेफ्ट में ले जाइए, तो 3y माइनस y इज 2y, और ये x की जगह 2, 6 ऐसे कैसा, 2 प्लस 6 8, y की वैल्यू 8 बाई 2 4। आगे बढ़ते हैं, ये 3w देखिए, a 2 2 इस a 2 2 के बराबर हो जाएगा, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3, यहाँ पर 3w इज़ इक्वल टू 2w प्लस 3, 2w को लेफ्ट में ले गए, तो w इज़ इक्वल टू 3, और लास्ट ये वाला 3z इज़ इक्वल टू z प्लस w माइनस 1, ये है कैलकुलेशन, z को लेफ्ट में ले गए, 3z माइनस z इज़ 2z, w की वैल्यू ऊपर से पुट करी 3, 3 माइनस 1 इज़ 2, 2z इज़ 2, z इज़ 1। 13 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा सा हटके है। तो मैट्रिक्स को एफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, राइट, और आपको दिखाना है कि एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई। तो आपको पता है एफ एक्स ये है, तो एफ वाई क्या होगा, बस जहाँ जहाँ पर ये एक्स है वहाँ वहाँ पर वाई लिख देंगे, तो वो एफ वाई हो जाएगा, ठीक है ना, तो एफ वाई अलग से देने की ज़रूरत नहीं है किसी को। अच्छा, एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, जहाँ जहाँ पर एक्स है वहाँ पर x प्लस वाई, तो यहाँ भी x प्लस वाई, 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 सीधी सी बात होती है, फंक्शन में आप x की जगह y लिखोगे तो पूरे फंक्शन में x की जगह y हो जाएगा, आप x की जगह x प्लस वाई लिखोगे तो पूरे फंक्शन में x की जगह x प्लस वाई हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो मुझे ये शो करना है, मैंने लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिया एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो एफ एक्स तो ये है, और जैसा मैंने अभी कहा एफ वाई ये है, और अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि पहली रो को मल्टीप्लाई करते हैं पहले कॉलम से, तो कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, राइट, देन माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, जीरो इंटू जीरो, ठीक है, पहली टर्म क्लियर हो गई। अब इसी रो को करना है अगले कॉलम से, तो कॉस एक्स इंटू माइनस साइन वाई, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, ये देख लीजिए लिखा है, जीरो इंटू जीरो, वो लिखा नहीं है, फिर स्पेस छोड़ के अगले की बारी आ गई, अगला तीसरा कॉलम, सो कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो, माइनस साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, सो यहाँ पे जीरो ही आया, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहली रो को सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब आती बारी अगली रो की, यानी कि सेकंड रो की, तो सेकंड रो को पहले कॉलम से साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स इंटू साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, जीरो इंटू जीरो जीरो, वो लिखा नहीं है, अगले कॉलम से सेकंड कॉलम साइन एक्स इंटू साइन वाई, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, जीरो इंटू जीरो, और फिर अगले कॉलम से साइन एक्स इंटू जीरो जीरो, कॉस एक्स इंटू जीरो जीरो जीरो, मतलब जीरो, वो भी हो गया, ठीक है जी। तो दूसरे रो का भी काम हो गया ख़त्म, इसको भी हटा देते हैं। अब बारी आती है तीसरी रो की, तो तीसरी रो को पहले कॉलम से, तो जीरो इंटू कॉस एक्स जीरो, जीरो इंटू साइन वाई, जीरो, वन इंटू जीरो जीरो जीरो, ऐसे इससे इससे करिए,
सेकेंड थर्ड से तो ये 0-1 आएगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा खास है नहीं बताने लायक, है ना। अब बात करते हैं फार्मूले की। तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी होता है कॉस ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी, और इसमें नेगेटिव कॉमन ले लीजिए, नेगेटिव कॉमन ले लीजिए तो आएगा साइन वाई कॉस एक्स प्लस कॉस वाई साइन एक्स, हो गया साइन एक्स प्लस वाई। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी तो होता है, तो जब इसमें नेगेटिव कॉमन लोगे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी। यहाँ पे देखिए कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, बस थोड़ा आगे पीछे लिखा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है कॉस ए प्लस बी। तो आपने देखा जहां जहां एक्स था वहां वहां पर एक्स प्लस वाई आ गया, बाकी सब तो सेम है, बाकी सब सेम है, 0 0 1 है, नीचे भी 0 0 है। तो हुआ क्या, आंसर में वही फंक्शन आया है पर जहां एक्स था उसकी जगह पर एक्स प्लस वाई आया है। तो हमने कहा ये तो हो गया फंक्शन एक्स प्लस वाई, हेंस प्रूफ। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। तो आपको ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको वैल्यू निकालनी है ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस सिक्स आई की। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है ए मल्टीप्लाई बाय ए। तो इस मैट्रिक्स को खुद से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसीजर है, प्रोसीजर भूलना नहीं है, पहली रो को पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, फिर तीसरे कॉलम से, तो ये पहली लाइन तैयार होती है। एक बार चेक कर लेते, फिर भी 2 2 ज़ा 4, 0 2 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 4 प्लस 1। फिर अगले की बारी 2 0 0, 0 1 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1 इंटू -1 -1 -1। फिर अगले की बारी 2 1 ज़ा 2, 0 3 0, 1 0 0, तो 2। क्लियर हुआ, जैसे आपने पहले रो को तीनों से किया। अब बारी आएगी अगले की, अगली रो की। तो आप अगली रो में 2 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले से, 2 2 ज़ा 4, 2 3, ऐसे ही अगले से 0 1 -3, ऐसे ही अगले से 2 3 0। समझ गए। अब जैसे सेकंड रो की बारी आई ऐसे ही थर्ड की बारी आएगी तीनों से, तो बोर नहीं करेंगे आपको। जब ये आप सॉल्व करेंगे 4 प्लस 1 5, -1 2, है ना, ये 4 6 9, ये सब ऐड करके आप अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे, आपका ए स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन में और क्या चाहिए आपको, क्वेश्चन में आपको चाहिए 5 इंटू ए, 5 इंटू ए मीन्स इसमें 5 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 इंटू ए भी आ जाएगा आपका। देख लेते हैं इसको 5 से करेंगे तो यहाँ 10, यहाँ 5, यहाँ 10, 5, 15, 5, -5 0, देखें ये आ गया 5। अब बारी आती है आपको चाहिए 6i, 6i यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 6 मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये 3 बाय 3 का क्वेश्चन चल रहा है तो आइडेंटिटी भी 3 बाय 3 का ही होगा, ओके। तो 6i देखते हैं कहाँ है, ये रहा 6i मीन्स 6 इंटू आइडेंटिटी, सो इट विल बी 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ओके। पहले मैंने तीनों टर्म्स निकाल लिए, अब उनको मैं इसमें पुट कर दूंगा, मेरा फाइनल आंसर आएगा। तो ये मुझे चाहिए ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो ये मैंने ए स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, ये 5a की वैल्यू पुट की है, ये 6i। अब इनको पहले माइनस कर दीजिए, 5 - 10 इज -5, -1 - 0 इज -1, 2 - 5 इज -3, 9 - 10 इज -1, -2 - 5 इज -7, 5 - 15 इज -10, 0 - 5 इज -5, -1 - -5 दैट इज +5 इज 4, -2 - 0 इज -2, एंड दिस मैट्रिक्स एज इट इज राइट। फाइनली विल ऐड देम अप, सो 6 + -5 इज 1, 0 - 1 इज -1, 0 - 3 इज -3, 0 - 1 इज -1, 6 - 7 इज -1, 0 - 10 इज -10, 0 - 5 इज -5, 0 - 4 इज 4, 6 - 2 इज 4, ओके। फाइनल आंसर फिनिश, नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, मिलता जुलता क्वेश्चन है, बस इसमें क्या नया आ गया, इसमें नया आ गया ए क्यूब। ए क्यूब कैसे निकलेगा,
पहले जो आप ए स्क्वायर निकालिए सेम ओल्ड मैनर में a इंटू ए, तो इस बार तो खुद से करिए और आंसर मैच कीजिए, आना चाहिए ए स्क्वायर। फिर इस ए स्क्वायर को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब आएगा। तो आप देखिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि ए क्यूब बराबर है ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर की वैल्यू लिखी मल्टीप्लाई फिर इस a की वैल्यू लिखी, और सेम मैनर में मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सेम मैनर यानी ये रो मल्टीप्लाई बाय पहला कॉलम, फिर दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, तो उसे ए क्यूब आएगा। कंप्लीटली आपके ऊपर छोड़ा है क्वेश्चन मल्टीप्लाई करके, एकदम ये आंसर आना चाहिए, एक्यूरेट आंसर। ठीक है, तो जब एक बार ए क्यूब आ गया, ए स्क्वायर आ गया, ए आ गया, ए तो दिया ही था, सब कुछ पता है, तो अब उसको इसमें पुट करना है जो फाइंड करना है, राइट। तो देखिए आप यहाँ पे मैंने ए क्यूब की वैल्यू पुट की है, माइनस सिक्स इंटू ए स्क्वायर। सिक्स इंटू ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर तो था ही, उसमें सिक्स इंटू कर दिया, यहाँ थर्टी आ जाएगा। 8 सिक्स ज़ा 48, 6 टू ज़ा 12, 6 फोर ज़ा 24, 6 ज़ा 30, 8 सिक्स ज़ा 48, और ऐसे ही 6 इंटू 13 कर देंगे यहाँ पर 78 हो गया। 7a, 7a का मतलब क्या है, जो a दिया है ओरिजिनली उसमें 7 मल्टीप्लाई करना है। 7 वन ज़ा 7, 7 टू ज़ा 14, 14 7, 14 21, देखिए। और 2i का मतलब तो आप जान रहे हैं, अभी 6i निकाला था आपने, राइट। तो एक बार ये वैल्यूज आपने लिख ली, तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। 21 माइनस 30 इज माइनस 9, 0 माइनस 0 0, 34 माइनस 48 माइनस 14, 12 माइनस 12 0, 8 माइनस 24 माइनस 16, 23 माइनस 30 इज माइनस 7, 34 माइनus 48 इज माइनस 14, 0 माइनस 0 इज 0, 55 माइनस 78 इज माइनस 23। सिमिलरली इन दोनों को ऐड कर देंगे, 7 प्लस 2 9, एंड ऐड कर दीजिए सिंपली, एंड जस्ट सी दोनों मैट्रिक्स के जो डिजिट्स हैं वो सेम है ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट नहीं पूरे ही सेम है, और इसके साइन नेगेटिव हैं, तो ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स है। जब इनको ऐड करेंगे तो ज़ीरो आंसर आ जाएगा, है ना, तो आंसर आया ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी, इस इक्वेशन को जब बीएससी में मैथ्स पढ़ाते हैं हम बच्चों को, अब तो नहीं पढ़ाते, पहले पढ़ाते थे, तो इसको कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें मैट्रिक्स को पुट करके आंसर जीरो आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि k की वैल्यू निकाल कर दिखाइए क्या है। ठीक है, और a दिया हुआ है, i दिया हुआ है, इस बार i देने की जरूरत नहीं थी, हमें पता है ए स्क्वायर इज इक्वल टू के माइनस टू आई। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, पहली रो को पहले कॉलम से किया, थ्री थ्री ज़ा नाइन, माइनस टू फोर ज़ा माइनस एट, नाइन माइनस एट इज़ वन, फिर अगले कॉलम से किया, थ्री इंटू माइनस टू इज माइनस सिक्स, माइनस टू इज़ फोर, माइनस सिक्स प्लस फोर, फिर नीचे वाली रो की बारी आ गई, पहले कॉलम से फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस एट फोर, और अगले कॉलम से फोर इंटू माइनस टू माइनस एट, माइनस टू फोर, माइनस एट प्लस फोर इज माइनस फोर। कुछ बच्चे कह रहे होंगे जल्दी जल्दी बता रहे हैं, पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी चीज़ें हैं, एक बार सीख ली तो फिर तो समझाने को रह नहीं जाता कुछ उसमें, तो जल्दी जल्दी बताना ही ठीक है। तो ए स्क्वायर आ गया इजकल टू के इंटू ए, के इंटू ए मीन्स ऑल टर्म्स मल्टीप्लाइड बाय के, सो दिस इज के ए माइनस टू आई। अब देखिए इसमें ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स टू बाई टू आ गया, क्योंकि क्वेश्चन टू बाई टू के मैट्रिक्स का चल रहा है। अब मैंने दो काम कर सकते थे, देखो इसको उठाकर इधर भी ले जा सकते थे तो ऐड हो जाता, मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया, थ्री के माइनस टू, माइनस टू के माइनस ज़ीरो इज़ माइनस टू के, फोर के माइनस ज़ीरो इज़ फोर के, माइनस टू के माइनस टू इज़ माइनस टू के माइनस टू। नाउ इक्वेट कर लीजिए, किसी को भी इक्वेट करिए, आंसर सेम आना चाहिए। देखिए फोर के इक्वल्स फोर, के वन आ गया, माइनस टू के इक्वल्स माइनस टू, के वन आ गया, किन्हीं को भी इक्वेट करेंगे के वन ही आना चाहिए, हो गया। इजी क्वेश्चन था ये तो, कि यहाँ पर कोई कांस्टेंट कोई नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है, वो भी गिवन होता है क्वेश्चन में। अभी 18 आ गया, बच्चों को ये टफ लगता है थोड़ा, तो ध्यान से देख लो, इसके बाद सब इजी इजी क्वेश्चंस हैं। तो मैट्रिक्स से दिया है ये,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है अंदर, और शो करना है आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इन टू दिस मैट्रिक्स। ओके, तो पहली बात तो मुझे टेन अल्फा बाई टू लिखना लंबा लगता है, मैंने टेन अल्फा बाई टू को एक्सलेट कर लिया, तो इससे क्या हुआ कि जो ए है उसे अब मैं कह सकता हूँ जीरो माइनस एक्स, एक्स जीरो है कि नहीं। और जब मैं एल एच एस सॉल्व करूँगा, एल एच एस है आई प्लस ए, आई इज आइडेंटिटी प्लस ए मीन्स दिस मैट्रिक्स, बट इंस्टेड ऑफ टेन अल्फा बाई टू वट आई हैव रिटन एक्स। नाउ एड देम अप, वन प्लस जीरो इज वन, जीरो माइनस एक्स इज माइनस एक्स, एंड जीरो प्लस एक्स इज एक्स, एंड वन प्लस जीरो इज वन। कुछ नहीं है एल एच एस में, आर एच एस ही लग रहा है थोड़ा डेंजर, उसको देखते हैं। ओके, आर एच एस पे आ गए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखो फार्मूला होता है कॉस टू थीटा बराबर वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अभी इस टू थीटा की जगह अगर मैं अल्फा लिख दूँ तो यहाँ थीटा की जगह अल्फा बाई टू आ जाएगा। जब यहाँ टू थीटा था तो टू थीटा का आधा एंगल यहाँ पर यूज़ होता है फार्मूले में, है ना। अगर यहाँ अल्फा लिख देंगे तो यहाँ पर अल्फा बाई टू आ जाएगा, तो मैंने लिखा कॉस अल्फा इसके बराबर है, और टेन अल्फा बाई टू को तो हम एक्स मान चुके हैं, तो इसको मैं शॉर्ट में वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि टेन अल्फा बाई टू एक्स है, टेन अल्फा बाई टू एक्स है। सेम वे में मैंने कहा साइन टू थीटा होता है टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। भाई नई फार्मूले याद तो मेमोराइज कर लीजिए, अभी याद कर लेंगे तो फिर आगे सही रहेगा, वैसे इन्वर्सिटी को में भी देख लिए एक बार फिर से। तो अगर मैं यहाँ टू थीटा फार्मूले में है तो यहाँ पर थीटा है, अब मैं टू थीटा की जगह अल्फा अगर यूज़ करूँगा तो यहाँ पर थीटा की जगह अल्फा बाय टू आना चाहिए, क्योंकि जो भी यहाँ एंगल होता है उसका आधा यहाँ पर यूज़ होता है। टू थीटा है तो थीटा यूज़ होगा, 60 डिग्री है तो 30 डिग्री यूज़ होगा, अल्फा है तो अल्फा बाय टू यूज़ होगा। तो वही मैंने किया कि साइन अल्फा टू टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू होगा, ठीक है ना। और टेन अल्फा बाई टू को हमने एक्स माना था सिंप्लिसिटी के लिए, तो टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब जो ये क्वेश्चन है ये क्या बना, ये बना आई आई एरा माइनस ए, ए बी यही है, और जहाँ पर था कॉस अल्फा, जहाँ पर था कॉस अल्फा उसकी जगह अब हम लिखेंगे ये, और जहाँ पर है साइन अल्फा है ना उसकी जगह हम लिखेंगे ये टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपने देखा कॉस अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा है वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा की जगह क्या लिखा है माइनस टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इस साइन अल्फा की जगह भी क्या लिखेंगे टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इस कॉस अल्फा की जगह क्या लिखेंगे वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब मुझे इसे सिंप्लीफाई करना है। आप देखिए इस मैट्रिक्स में सब में अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर है, तो मैं वो कॉमन ले सकता हूँ, पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं, तो मैंने वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। ऐसा करने से यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ माइनस टू एक्स बचा, यहाँ पर टू एक्स बचा, यहाँ पर वन माइनस एक्स स्क्वायर बचा। मैंने इसको ये जो नंबर ये जो टर्म है स्केलर है इसको मैंने सबसे आगे कर लिया, और इस मैट्रिक्स को अब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। आप चाहे तो ये बीच का स्टेप स्किप भी कर सकते थे, डायरेक्टली इसको सबसे आगे ले जाते वो भी ठीक है। अब आगे, अब ये मल्टीप्लाई होने, तो अपने रूल मत भूलिए क्या रूल है मल्टीप्लिकेशन के। सो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, वन इंटू दिस वन माइनस एक्स स्क्वायर सेम ही आ जाएगा, और एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसी पहली रो को पहले कॉलम से दूसरे कॉलम से, पहले से तो हो गया वन इंटू माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स, एक्स इंटू वन एक्स, और एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू हो गया। तो इस तरीके से आपने पहली रो को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब बारी आती है सेकेंड रो की, तो सेकेंड रो को पहले कॉलम से माइनस एक्स इंटू वन इज माइनस एक्स, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर इज प्लस एक्स क्यू, वन इंटू टू एक्स इज टू एक्स। अब स्पेस छोड़ के इससे माइनस एक्स इंटू माइनस टू एक्स इज टू एक्स स्क्वायर, वन इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर इज वन माइनस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, माइनस टू एक्स प्लस एक्स इज माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब, टू एक्स माइनस एक्स इज एक्स एक्स क्यूब, टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। सीधा एड सब्ट्रैक्ट जो करना है कर दिया। अब यहाँ पे माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक्स कॉमन आ रहा है कॉमन ले लिया,
नोटिस कीजिए कि अब अंदर हर कहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो आप हर कहीं से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएंगे। अब यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर गया तो 1 बच गया, यहाँ माइनस एक्स बच गया, यहाँ एक्स बच गया, यहाँ पर भी 1 बच गया, तो LHS के बराबर आ गया और प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छे से समझ गए? तो पता नहीं बुक्स में कैसे किया है, पर मैं इस तरीके से इसको करता हूँ। तो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा मैंने, लेंदी था काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 19-20 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है हमको एक्स्ट्रा, बुक में कम है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है कि आपके पास 30,000 रुपीज़ हैं, और 30,000 रुपीज़ आपको दो बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना है। एक बॉन्ड आपको 5% का इंटरेस्ट पर ईयर देता है, दूसरा बॉन्ड 7% का इंटरेस्ट देता है। और फिर इसके ए पार्ट में कहता है कि आपको जो इंटरेस्ट कमाना है वो 1800 रुपये कमाना है साल का इस इन्वेस्टमेंट के बाद। तो बताइए कि कितना पैसा किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना पैसा किस बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 30,000 रुपये थे, मैंने कहा पहले बॉन्ड में एक्स रुपये इन्वेस्ट कर दो। तो आप उस 30,000 में से एक्स को हटाओ और तो 30,000 माइनस एक्स सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो। इस डाटा को मैंने मैट्रिक्स में मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। तो पहला एलिमेंट मैट्रिक्स का एक्स है, पहली इन्वेस्टमेंट, और दूसरा एलिमेंट जो मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट है वो लिख दिया। एक मैंने रो मैट्रिक्स बनाया है जिसमें पहला एलिमेंट ये लिख दिया, दूसरा एलिमेंट ये लिख दिया। ये बॉन्ड वन को रिप्रेजेंट करता है, बॉन्ड टू को। अब मैंने एक और मैट्रिक्स बनाया, इस मैट्रिक्स में बॉन्ड वन में कितना परसेंट आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और नीचे बॉन्ड टू में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैंने मेंशन किया है। तो बॉन्ड वन में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है वो ऊपर मेंशन है, बॉन्ड टू में कितना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैंने नीचे मेंशन किया है। बात समझ में आ गई? पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स था, दूसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स है। कारण क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक बड़ा सिंपल सा है। आप देखिए, अगर मैं मैट्रिक्स यूज़ नहीं कर रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता? मैं ऐसा करता कि पहली जगह जो पैसा मैंने लगाया है, पहली जगह का जो प्रिंसिपल है, ठीक है, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता 5% से, है कि नहीं? तो जब मैं उसको 5% से मल्टीप्लाई कर देता तो मुझे उस जगह से मिलने वाला इंटरेस्ट पता चल जाता, और प्लस जो दूसरा प्रिंसिपल है उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करता, जो उस जगह से मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 7% से। और इससे मुझे ये पता चलता कि इधर से मुझे कितना पैसा मिलेगा, पहली जगह से मिलने वाला पैसा प्लस दूसरी जगह से मिलने वाला पैसा, यही तो मेरा टोटल इंटरेस्ट है। ठीक है, अब मैंने पहला मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स बनाया, दूसरा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स बनाया। क्यों? क्योंकि जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ए और बी को, तो आपको पता है पहली रो पहले कॉलम, एक ही रो है एक ही कॉलम ऐसे, पर कहते क्या है, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो ये एक्स मल्टीप्लाई होगा 0.05 में, यानी 5% में, और ये जो दूसरी वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो बन जाएगा ना इवेंचुअली यही चीज़ बन जाएगी। एंड दिस होल थिंग इज द इंटरेस्ट अर्नड, राइट? तो ये इसके पीछे का लॉजिक है कि ए इंटू बी सी के बराबर है। अब देखिए, मैंने लिख दिया पहला मैट्रिक्स कितना कितना इन्वेस्ट हुआ, दूसरा मैट्रिक्स कितना परसेंट मिलेगा। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएगा कितना इंटरेस्ट है, ठीक है, रेट ऑफ परसेंट से मल्टीप्लाई करके। तो मैंने वही किया है, पहला एलिमेंट पहले से इंटू, दूसरा एलिमेंट दूसरे से इंटू, इज इक्वल टू 1800। देखिए, 30,000 इंटू 0.07 इज 2100, माइनस एक्स इंटू 0.07 इज -0.07x। नाउ 0.05x माइनस 0.07x इज -0.02x प्लस 2100, राइट, इज इक्वल टू 1800। आई होप समझ आया होगा। कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इंटू कितना परसेंटेज आपको मिल रहा है वो बराबर है आपको इंटरेस्ट कितने रुपये मिलेगा। ठीक है जी, तो x इंटू दिस प्लस 30,000 माइनस x इंटू दिस इज इक्वल टू 1800, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस
2100 माइनस 0.02x माइनस 0.02x कहाँ से आया, 0.05x माइनस 0.07x से इज इक्वल टू 1800। 2100 को उधर ले गए माइनस करने तो माइनस 300 आ जाएगा, इसका माइनस और इसका माइनस कट जाएगा, 0.02x इज इक्वल टू 300 एंड देन x इज इक्वल टू 300 अपॉन 0.02 एंड 300 अपॉन 0.02 इज 15,000। ठीक है, तो दम कंसेप्ट में है, कैलकुलेशन में नहीं, कैलकुलेशन तो ईजी है। एक्स 15,000 आएगा तो दूसरी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 30,000 माइनस एक्स थी, तो वो आएगी 30,000 माइनस 15,000, 30,000 माइनस 15,000 इज 15,000 इटसेल्फ, यानी कि बॉन्ड वन में भी 15,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, बॉन्ड टू में भी 15,000 रुपये ही इन्वेस्ट करने हैं। इसी क्वेश्चन के बी पार्ट में आपसे कहते हैं कि जो इंटरेस्ट है, पिछली बार इंटरेस्ट बताया था 1800, इस बार इंटरेस्ट है 2000 रुपीस, तो 2000 रुपीस इंटरेस्ट होना चाहिए, तो करेंगे क्या आप, सेम क्वेश्चन करिए, सब कुछ सेम है, जस्ट ये जो सी है ये 2000 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2000 होगा और उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन आगे बढ़ेगी। आपके लिए होमवर्क है, आपका आंसर आना चाहिए 5,000 रुपीज़ इन बॉन्ड वन एंड 25,000 इन बॉन्ड टू। बस लॉजिक ध्यान रखिएगा, पहला मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल और दूसरा मैट्रिक्स वर्टिकल, ओके, तब जाके आपका क्वेश्चन होगा। अगर दोनों हॉरिजॉन्टल बनाए तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, है ना, क्योंकि रूल टूट जाएगा। पहले वाले का ऑर्डर है 1 बाय कितना है 2, और दूसरे का है 2 रोज़ 1 कॉलम, तभी तो मल्टीप्लाई हो पा रहे हैं, है ना, इसके कॉलम और इसके रो सेम है, और दोनों हॉरिजॉन्टल ले लोगे 1/2 1/2 तो मल्टीप्लाई नहीं हो पाएंगे, इसलिए एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। आगे बढ़ते हैं, सो क्वेश्चन 20 आई रीड फॉर यू। क्वेश्चन सेज द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 dozen केमिस्ट्री बुक, देखिए 10 dozen 10 × 12 केमिस्ट्री बुक है, 8 dozen फिजिक्स बुक है और 10 dozen इकोनॉमिक्स बुक है, तो ये मैट्रिक्स से रेडी हो गया। फिर मैट्रिक्स बी में कह रहे हैं इनकी कॉस्ट के बारे में, सेलिंग प्राइस के बारे में, कि पहले वाले की सेलिंग प्राइस, केमिस्ट्री बुक की सेलिंग प्राइस 80 रुपये, फिजिक्स बुक की 60 रुपये, इकोनॉमिक्स बुक की 40 रुपये है, तो कह रहे हैं बताइए इसे बेच के टोटल कितने रुपये कमाए जाएंगे। तो आप फिर से देखें, मैंने पहला मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टल, दूसरा मैट्रिक्स वर्टिकल बनाया, सेम रीजन की वजह से जैसा मैंने पिछली बार बताया, और अब a इंटू बी कर देंगे, तो देखिए बुक्स मल्टीप्लाइड बाय सेलिंग प्राइस, पहला वाला पहले से इंटू, दूसरा वाला दूसरे से, तीसरा वाला तीसरे से, और जब ऐड करेंगे तो इतना रुपया आ गया, तो इतना रुपया दुकान को कमाने को मिलेगा। तो एक बार कंसेप्ट समझ गए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, आपको 5 matrices दिए हैं, उनका ऑर्डर गिवन है, x का ऑर्डर है 2/n, y का ऑर्डर है 3/k, z का ऑर्डर है 2/p, w का ऑर्डर है n/3, p का ऑर्डर है p/k, ठीक है, पांचों matrices का ऑर्डर दिया हुआ है। अब आपसे कह रहे हैं अगर py प्लस wyk है, अगर py प्लस wyk है तो आपसे पूछ रहे हैं द रिस्ट्रिक्शंस ऑन एन के एंड पी, तो एन के और पी पर क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी। ठीक है जी, तो पहली बात यह है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई फाइंड करना तभी पॉसिबल है जब पी के कॉलम्स, अब पी का ऑर्डर यह है पी इंटू के, वाई का ऑर्डर है 3 × k, गिवन है ना, पी का ऑर्डर यह है, वाई का ऑर्डर यह है, गिवन है, तो P को Y से मल्टीप्लाई करना तभी संभव है जब ये दोनों सेम हो, K3 के इक्वल, ठीक है जी, W का ऑर्डर है n/3 और Y का ऑर्डर है 3/k, और इनको भी मल्टीप्लाई करना तभी संभव है जब इसके कॉलम और इसके रो सेम हो, ये तो सेम है ही, 3 तो 3 के इक्वल होता ही है, पर यहाँ से आपको एक इन्फॉर्मेशन मिली कि K बराबर है 3 के, ठीक है, ये बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और ये हमने अपने ऑर्डर के नॉलेज से पता लगाया कि K3 होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, तो जब ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो उसका आंसर जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, P बाय K,
और जब ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे तो जो आंसर होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, एन बाई के। और फिर एग्जामिनर कहता है कि आपको इन दोनों, मतलब जो इसका आंसर है और जो इसका आंसर है, उनको ऐड करना है। अब हमने क्या सीखा है, एडिशन इज पॉसिबल ओनली इफ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, तभी वो संभव है, वरना संभव ही नहीं। तो अब आपने क्या चीज़ यहाँ से कंक्लूड की कि इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ये दोनों ऐड हो सकते हैं। और इनका ऑर्डर सेम कब होगा, जब p और n इक्वल होंगे, सही है कि नहीं। तो जब p और n इक्वल होंगे तभी उनका ऑर्डर सेम होगा। k तो 3 के इक्वल है ही और p और n भी इक्वल होने चाहिए। आई होप लॉजिक क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है अगर n p के इक्वल है, अगर n p के इक्वल है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो आप देखिए x का ऑर्डर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, x का ऑर्डर दिया है 2 बाई एन, x का ऑर्डर है 2 बाई एन, और z का ऑर्डर क्या है 2 बाई पी, ठीक है। x का ऑर्डर है 2 बाई एन और z का ऑर्डर क्या है 2 बाई पी, पर फिर कहता है कि पी एन के बराबर है, तो जहाँ पर 2 बाई पी लिखना था उसकी जगह हमने 2 बाई एन लिख दिया, ठीक है। अब ये कहते हैं कि जो ये मैट्रिक्स है 7x और जो ये मैट्रिक्स है 5z, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, पहला प्रश्न आपसे। ये बिल्कुल सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं क्योंकि पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर और दूसरे मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, तो बेशक ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। और सब्ट्रैक्ट होने के बाद आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो जवाब है उसका ऑर्डर भी यही होगा जो इन दोनों का ऑर्डर है। रीज़न, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है और जो आंसर आता है उस आंसर का भी ऑर्डर सेम होता है। तो अगर कोई 2x2 का मैट्रिक्स है ना, एकदम बिगनिंग में जाते हैं, एकदम बिगनिंग में, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ये 2x2 का मैट्रिक्स है, ऐड किया तो 2x2 का ही मैट्रिक्स आया। अगर ये 3x2 का मैट्रिक्स है, ये 3x2 का मैट्रिक्स है, तो ऐड करेंगे तो 3x2 का ही मैट्रिक्स आएगा, समझे। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर भी यही बात है कि अगर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x n है और इसका भी ऑर्डर 2x n है, तो सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसका भी ऑर्डर 2x n ही होगा, तो आंसर है 2x n। तो इसी के साथ हमने बहुत बड़ी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म कर दी है, और ये सेल्फ प्रैक्टिस के लिए है, इससे आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी ये एक्सरसाइज करके, ठीक है। इसको अपने आप जितना ज़्यादा कर सके करिए, और जो जो क्वेश्चन नहीं आते उसको दोबारा से पूछ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, ठीक है फिर।